मैं कहना चाहता हूँ, आज जो यूपी के अंदर हालात हुई है और आज यूपी में विधानसभा इलेक्शन होता है तो योगी की सबसे पहले छुट्टी, चप्पलों से छुट्टी। केजरीवाल नहीं है जो थप्पड़ लग जाएगा, वो पिछवाड़े में डाल देंगे उसी टाइम। पप्पू कहते थे ना, पप्पू शेर बन गया। ये जोश मैंने दिलाया, वो जोश था नहीं इनके पास। नारे का दम खत्म, जय श्री राम का खत्म। हमेशा बोल रहे जय श्री राम, हम तो बोलते आ रहे हैं। वीडियो मेरे बहन के पास है, हमारा काम है अल्लाह पर बोलना है। दिक्कत होगी किसी को तो दिक्कत होने का मतलब है दाल में कुछ काला है। दाल में काला है? दाल में कैसे काला? मेरे को दिक्कत क्यों नहीं है? किसी को दिक्कत है तो उससे पूछो भाई, तेरे को दिक्कत क्यों है? अगर थैलियों पे नाम लिख ले तो दिक्कत क्या है इसमें? क्या दिक्कत है? पेटीएम भी तो लगा ही होता है, कोड लेने में, पैसा लेने में, स्कैन करके, उसमें तो दिक्कत नहीं है, पर नाम लिखने में दिक्कत है। ये अजीब सी बात है, इन लोगों की दिक्कत ही है। वो राहुल जी ने सही कहा था, हिंदू विरोधी हिंदू नहीं है वो, बीजेपी वाले। अब सरकार ने कह दिया फैलों पर नाम लिखाओ, खाली दो भाई को पसंद है। दुकानों पर, दुकानों से भाई को पसंद है, हम तो नाम पढ़ के लेंगे। तो ये बीजेपी के राज में यही हो रहा है, जो मोदी और योगी कहते हैं वही कहते हैं, वो हिंदू वही खाएगा। वो कहा गया तो पाकिस्तान आ रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहा था कश्मीर में, हिंदुस्तान में, तो जब कहा गया बताओ राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बन गए? पहले तो ये बताओ, बाद में बोलना। नहीं पहले बताओ राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बना, कौन से सन में बना, कौन सी डेट में बना, पहले ये बताओ। पता नहीं कुछ भी, ये अंधभक्त है, प्रधानमंत्री बना नहीं है, इनसे ये पूछना है सरकार। राज कब आया भाई? 4 से 14 उसी का राज था, 4 से 14 उसी का राज। ऐसे थोड़ा बिल, ऐसे थोड़ा बिल फाड़ दिया उसने, 10 साल का था। अरे बिल ऐसे थोड़ा फाड़ दिया 10 साल का, यार कैसी बात कर रहा है? 10 साल के थे जब बिल फाड़ा। बात ये करें सर, 4 से 14 की बात हो रही है, 2004 से 14 वो बात है, 84 के बाद की बात कर रहे हो आप, 40 साल। ये कह रहे 2004 से 14 तक राहुल गांधी 15 साल का भी नहीं होगा। 2004 से 14 की बात कर रहा हूँ मैं। 4 से 14 में क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? कह रहा वही प्रधानमंत्री था इनडायरेक्टली, ऐसे ही थोड़ा ना उसने बिल फाड़ दिया पार्लियामेंट का। इनडायरेक्टली मोदी जी, अबे अरे जैसे मोदी जी तो डायरेक्टली है। कहाँ से इनडायरेक्टली? प्राइम मिनिस्टर कहाँ से? यूपी की बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, पहले थी बीजेपी की अपनी, जब 303 सीटें थी, अब 240 है, बहुमत के लिए 272 चाहिए। तो अब मोदी जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। चलो ठीक है भाई की सरकार नहीं, ये भाई अच्छी बात है। कल को कुछ मान ले ये अगर नाराजगी होगी तो ये मोदी से नाराज नहीं होंगे, पूछ लो फिर। एनडीए से नाराज होंगे, मोदी से तो नहीं होंगे तो नाराज ना होने के, अगर कोई ये मोदी से नाराज होंगे, एनडीए से होंगे, फिर नीतीश से भी होंगे। 2000 उससे अगर बात करें 14 से लेकर 19 से लेकर 24 तक, तब भी तो एनडीए की सरकार है। 2004 के अंदर या 9 के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके आ गई थी महंगाई के खिलाफ, मनमोहन सिंह मोहन बैठे हुए, ये लिए चूड़ियां पहनी है। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, कहा है स्मृति ईरानी? दिखा दिया वहां पर अमेठी के अंदर, जमानत बच गई इनकी, ये हाल हुआ। ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते करते करते लोगों का प्रमोशन होता है, इनका डिमोशन हो रहा है। ये जाएंगे अब यूपी के अंदर कितनी सीटें थी? 63, अब कितनी है? क्योंकि अब हाफ हो गई हैं और 29 में साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। हाँ, बीजेपी यूपी से 29 में साफ होने जा रही है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में फूट चल रही है, कभी भी सरकार गिर भी सकती है, और 27 में और 29 में तो साफ है ही। नहीं नहीं, 27 और 29 की जहाँ तक बात है वो तो टाइम बताएगा, 27 और 29 में क्या होगा वो तो टाइम बताएगा। ठीक है, वो तो फिलहाल तो जैसे भाजपा 400 की बात करी थी नहीं आई, ठीक है। और दूसरी बात है फलों का नाम लिखना, फल वो तो आएगा नहीं, प्रधानमंत्री फल वालों को बनाओगे? कभी चाय वाला, कभी फल वाला, कभी पकौड़ी वाला, फल वाला ही लो। ये कह रहे हैं इस बार तो प्रधानमंत्री फल वाला बनेगा, जिन ठेलियों पर नाम लिखवा रहे वो प्रधानमंत्री। मोदी कहते हैं ये देश के हिंदू वही करेगा, वो कहेगा रेवड़ी खा लो, रेवड़ी खाएंगे। अब फलों की आ गई, कभी मिठाई की आ गई, टोस्ट क्या टोस्ट जलाओ, कभी बर्तन जलाओ, दारू वालों को बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, दारू वालों को बना देंगे। चांदनी चौक में हल्दी राम का शोरूम है मिठाई का, उस पर क्या लिखा है? हल्दी राम यानी कि आगे राम, और सारे मुसलमान खाते हैं, सारे हिंदू खाते हैं, उसपे कोई ऐसा नाम नहीं लगा हिंदू मुसलमान, हल्दीराम, हल्दीराम तो फल वाले पे नाम, हल्दीराम, हल्दीराम
सब खाते हैं। नाम आ गया उसमें, नाम लिखा उसका हल्दीराम नाम है। बंदूकी जय श्री राम, वो बंदूकी दुकानों पर नाम लिखने में दिक्कत क्या? हल्दीराम पकौड़े बेचता था पहले, समोसे बेचता था, समोसे बेचता था वो। ये कह रहा कि पकौड़ा कोई बिजनेस होता है, पकौड़े बेचता था। आज पकौड़े बेचने वाला इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बन गया और आप कह रहे पकौड़े का काम नहीं है ना। अरे ये फलों की क्या बात है, नाम लिखने में दिक्कत क्या? लिख लिया नाम, दिक्कत है ताकि जो भक्त है उनको पता चल जाए क्या है, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। इतना बड़ा भक्त की मिठाई खा रहे हैं हल्दीराम की, नाम लिखा हुआ है तो फलों में लिखवाएगा, कल रिक्शे वाले में लिखवाएगा मोदी योगी, तो इस राम के नाम पे अब राम को सबको उनको ठेले पर रिक्शे में लेके चले, हम फल में नाम पूछ के खाएंगे हम। भाव जी ये फल किसका है? ये राम का है या उसका गणेश का है किसका है? ऐसे खाएंगे हम, फल भी नाम पूछ के खाना पड़ेगा, ऐसे भी खाएंगे हम। एग्जैगरेट कर रहे हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, वो तो पहले से नाम था। अब जो फल की रेड़ी खाओगे, मैं कल फल की रेड़ी लगा रहा हूँ, मेरा नाम है शाहिद हुसैन, आप मेरा फल खरीदोगे? खरीदोगे? सुनो अमीर भाई सुनो, जो नाम लिखवा रहे हैं किसी का नाम, वहाँ पे इमरान नाम का रेडी वाला हुआ, वहाँ पे अगर हिंदुओं ने खरीद लिया फिर क्या कहाँ जाओगे तुम? अभी जो बात कर रहे हो फिर क्या करोगे तुम? किसी एक पक्ष के लिए बोला है क्या? इनको दर्द क्यों है? ये दोनों पक्ष वाले को बोला अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए। अगर किसी हमें दिक्कत, तुम्हें दिक्कत क्यों है? हम तो लिख रहे थे, क्या दिक्कत है? तुम्हें ही क्यों दिक्कत है? सवाल ये भी है दोनों के लिए ना, ये कानून के लिए। पूछो, हम रोटी खाएंगे जात के नाम पे खाएंगे, ठेले के नाम पे खाएंगे। तो दिक्कत क्या हो रही है? अगर आपका नाम शरीफ कुछ भी है, नाम करके बुला रहे तो क्या दिक्कत? रेतु करके तो नहीं बुला रहे ना हम, इनका नाम है रहीम, है रहीम जी करके बुलाएंगे, इनका नाम है संतोष, संतोष जी करके बुलाएंगे, दिक्कत क्या हो रही है? अरे भाई क्या तुम्हारा नाम है? रेतु तो नहीं करके बुलाए भाई, नाम है तो नाम से और पुकारेंगे भाई, और तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है भाई? हर चीज कोई भी कानून, अपने नाम कोई भी कानून निकाले बीजेपी सरकार, ये अपने पे बीजेपी के हर काम पर हर कानून पर आपको दिक्कत है। कुल मिला ये इनके भक्त हैं, अगर मोदी कह देगा लाल किले से माथा टेक के जाना है तो वहीं से जाएंगे, ये कभी कहता बत्ती जलाओ, कभी कहता थाली बजाओ, सब ये करते हैं। अब फलों के नाम आ गए, देशभक्ति सिखाया है मोदी ने, हर घर पे झंडा लहराया, पहली बार हुआ देशभक्ति का जुनून इतना उसने अंधभक्त बना दिया आदमियों को देश के प्रति। इससे पहले तमाम नारे लगते हैं जय श्री राम के, मोदी ने मना करे नारे मत लगाओ, खत्म, एक दूसरे हार गए, काम हो गया। अब यही सुनना है, जय श्री राम का काम हो गया, वहाँ मंदिर बन चुका है, अब राम का काम हो चुका है, अब जो काम बाकी वो होना बाकी है। वीडियो में आ जाइए, वो सुना हम सलाम करना आएंगे उस दिन आपको, हम सलाम करना आएंगे उस दिन, सलाम करना आएंगे कब? जब नारे लगेंगे, नारे का दम खत्म, जय श्री राम का खत्म, राम के नाम क्यों नहीं ले रहा दीपक की वीडियो जब आएगी तुम फिर दूर से। अभी कह रहा है कि राम का नाम क्यों नहीं ले रहा, अभी भी बंगाल में जय श्री राम बोले मिर्ची आ जाता है, मिर्ची आ जाता है अभी भी। ये तो दोनों तरफ चलते हैं, लो तो बेकार ना, लो तो बेकार। जो 24 से पहले बीजेपी के भक्तों पे थी, अच्छा, वो हंसी नहीं है, गायब हो गई, वो ताकत नहीं है, वो नारा नहीं है, नहीं तो ये हमारी ऐसी देसी कर देते हैं, खामोश है। हाँ वो फल के असर आ गया, अंतर आया कुछ बात में, फर्क आया जो पप्पू कहते थे ना, पप्पू शेर बन गया। पप्पू कभी शेर नहीं बन सकता, पप्पू पप्पू ही रहेगा, ठीक है? और जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? जय श्री राम था, सुनो, जय श्री राम बोलेंगे और हमेशा बोलते थे, चौबीस से पहले क्या बोलते थे? बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम बोलेंगे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। बस तुम्हारे को भाई क्या 24 से पहले अल्लाह अकबर बोलते थे तुम?
हमेशा बोल रहे जय श्री राम, हम तो बोलते आ रहे वीडियो मेरे बहन के पास है, हमारा काम है अल्लाह पर बोलना है। हम सबसे पहले बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, और कुछ बात में बोलेंगे हम। हाँ भाई को बता, वही बोल रहा जय श्री राम के नारे अब नहीं लग रहे, सारा यार हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो बोलो। मना नहीं कर सकता इस नारे को कोई भी, ना कोई ऑप्शन उठा सकता इस पे। भाई ये कह रहे हैं कि सरकार तो बनेगी ना, फल नाम से खरीद देंगे हम, तो बात खत्म हो गई। योगी ने कह दिया फल चेक करेंगे, इसमें नाम क्या लिखा हुआ, रेडी वाले का नाम क्या है। सुनो अब फल खरीद लो, सुन लो सुन लो, प्रधानमंत्री वही है, होम मिनिस्टर वही है, रक्षा मंत्री वही है, विदेश मंत्री वही है, ठीक है, रेल मंत्री वही है, सुन लो। तो हारे कहाँ से भाई, हारे हारे कहाँ से, ये तो बताओ, ये तो बताओ। सब ठंडे हो वो जो जिस चांदी चौक में देखते रहे, मैं गिरान पकड़ पकड़ के बोलते थे, आज पीछे खड़े हैं। जोश नहीं दिख रहा इनको, जोश दिखेगा तो कहेगा ताना सा है, जोश दिखाए तो अभी कहेगा ताना सा ही रह गया है। कम से कम अपने आप को भूल जाएंगे, मोदी में आ जाएगा ताना सा, इंदिरा भूल जाएंगे कि इंदिरा में ताना सा चल रहा था। कहना चाहता हूँ आज जो यूपी के अंदर हालात हुई है, और आज यूपी में विधानसभा इलेक्शन होता है, तो योगी जी सबसे पहले छुट्टी चप्पलों से छुट्टी, चप्पल कहाँ हो तो खड़ा हो पहनते हैं, हाँ चप्पल मार के निकालेंगे यूपी वाले वहाँ से, योगी को योगी को, अरे योगी को चप्पल मार दे, ठीक है भैया, पहले बुलडोजर नहीं देगा बाबा का, खत्म खत्म, बुलडोजर का पता नहीं खत्म। योगी जी केजरीवाल नहीं है जो थप्पड़ लग जाएगा, वो पिछवाड़े में डाल देंगे उसी टाइम, योगी भी डाल गया अभी 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 थप्पड़ लगा दो तो कंगना रनावत के कम हो गई, पर तुम ये गलाई है, कंगना रावत को लगा संविधान खतरे में नहीं था इनको, कंगना रावत को लगा इससे पूरा संविधान खतरे में था या नहीं था, कौन सा संविधान का अधिकार से मारा था।